और वहीं पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कई जगहों पर पक्का मोर्चा लगा दिया है। दरअसल किसान धान की खरीद समेत अपनी कई अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है, तो किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। धान की लिफ्टिंग के साथ साथ उनके कई मुद्दे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में पंजाब सरकार और किसानों के बीच बैठक भी शुरू होगी और देखना होगा कि उस बैठक में क्या नतीजा निकलता है।